चतुर्विद संघ के आगमन से भक्ति के चतुर्विद संघ के आगमन से भक्ति का दीप जल गया, अभी भी जल रहा है। चतुर्विद संघ के आगमन से भक्ति का दीप जल गया, थोड़ी देर के लिए ही सही, भूगोल का भूगोल बदल गया। थोड़ी देर के लिए ही सही, भूगोल का भूगोल बदल गया। और जब सड़कों पर हजार हजार श्रावक मुनि संघ के आगे पीछे दौड़ते हैं तो जनता भी देखती कि आज कौन सा उत्सव है, कौन सा महोत्सव है, और ये संत जिनके तन पर धागा भी नहीं है, ये कौन है और कहां से आ रहे, कहां जा रहे। हम तो सिर्फ खाने पीने कमाने के लिए दौड़ लगा रहे, लेकिन इनकी प्रशांत मुद्रा कहती है ये भगवान बनने जा रहे। आप देखिए, थोड़ी देर के लिए भूगोल बदल गया, गाड़ियां रुक गईं, ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए पुलिस आगे पीछे दौड़ रही है। श्रावक श्राविकाओं ने घर के द्वार पर रंगोली बनाई है, जगह जगह गीत गाए जा रहे हैं। जहां हमेशा हरे पीले झंडे लगे रहते हैं, वहां पचरंगे केसरिया लहरा रहे हैं। जहां गाने सुनाई देते हैं, वहां भगवान की भक्ति के गीत सुनाई दे रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए ही सही, भूगोल का भूगोल। होना तो चाहिए पुष्प वृष्टि, जो लोग करते हैं, लेकिन ज्ञानी आयो प्लास्टिक की वृष्टि करके चले गए। सौभाग्यशालियों, भूगोल के भूगोल पर देखिए, महावीर स्वामी का सुंदर चैत्यालय जिनालय और प्राचीन शांतिनाथ भगवान का जिनालय, और श्रावकों की भक्ति का उत्साह, जगह जगह पोस्टर लगा रखे, बैनर लगा रखे। हम तो समझते हैं कि ये प्रवचन भी अगर अपन अंदर करने की बजाय कहीं सड़क पर ही बैठ जाते तो और ज्यादा लोगों को लाभ मिलता। पोस्टर और बैनर लगाने से अमुक मुनि महाराज फेमस हो जाएंगे, या हम सिर्फ मुनि महाराज को फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो मद्रा सामने आती है, आते जाते लोग भी नाम तो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन मुद्रा देख के समझ जाते हैं कि दिगंबर मुनि है, भगवान महावीर का रूप है। और उस तरह से, और हम तो कहेंगे कि कभी इस तरह के प्रयोग करते हैं तो एक शब्द और उसमें जोड़ देना चाहिए, दिगंबर मुनि आ रहे हैं तो एक शब्द जोड़ दीजिए, भगवान महावीर स्वामी की मुद्रा को धारण करने वाले आचार्य श्री सन्मति सागर जी, आचार्य श्री अमुक सागर जी, तो उससे पहले महावीर स्वामी का नाम आएगा। जैन समाज में एक दो संप्रदाय ऐसे खतरनाक हैं कि भी अपने सिर्फ गुरु को आगे करते हैं, और उनसे महावीर स्वामी की भी बात करो तो उस पर भी नकार देते हैं। हमारे लिए तो वो ही मुख्य है। दिगंबर समाज का सौभाग्य है कि इस गंदगी से अभी बचा हुआ है। बाकी अरे भाई, गुरु वो तुम्हारे कहाँ से आए, चाहे ऐसी पट्टी वाले हों चाहे ऐसी पट्टी वाले हों, कहाँ से आए। महावीर ना होते तो तुम्हारा भी कोई अता पता नहीं होता। महावीर का मूल तो दिगंबर परंपरा में सुरक्षित है, और हम कहेंगे अपनी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सिर्फ महावीर लिखे नहीं, महावीर स्वामी के नाम से सफदरगंज हॉस्पिटल का बड़ा नाम हुआ, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। ऐसा जो कुछ करते बनता है करना चाहिए, क्योंकि महावीर नाम के लेने से मिलता है बड़ा
आराम साथी। महावीर कहो, महावीर सुनो, महावीर है ऐसा नाम साथी। जो महावीर स्वामी को नहीं मानते हैं वो भी नाम सुनकर के एक बार चौकन्ने हो जाते हैं, कुछ तो अद्भुत है, कुछ तो अलग चीज है। अहिंसा, सत्य और करुणा का आभामंडल छा जाता है। ऐसे जिनेश्वर के दर्शन आप लोग रोज प्राप्त करते हैं, कितने सारे सौभाग्यशाली श्रावक होंगे जो अभिषेक करते होंगे। अभी कह रहे थे धीरज, 30 साल हो गए मैंने आज तक बिना भगवान के पूजा अभिषेक के पानी नहीं पिया। सेल्फी और सेल्फिश दोनों बहुत महत्व नहीं रखते हैं। इंसान तो वो अच्छा जो खुद जिए और दूसरों के उपकार के लिए हमेशा काम करता रहे। जियो और देखो, सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। सिर्फ स्वार्थी मत बनिए, सर्वार्थी बन जाइए। स्वार्थ सागर अच्छा कि सर्वार्थ सागर अच्छा? लेकिन कई लोग आते हैं बोले आपके संग में वो है ना स्वार्थ सागर, स्वार्थ सागर। तो हम तो समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं समझ पाते। अच्छा, अगर थोड़ी गंभीरता से इसका अर्थ करना चाहें तो अच्छा अर्थ भी निकलता है। स्वार्थ सागर मतलब है स्वा के अर्थ के प्रयोजन में जो लगे हुए हैं वो। किसी से कुछ नहीं कहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, एकदम क्या करेंगे, अपने में लीन रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे, स्व अर्थम साध्यतीति। ठीक, वो एक अर्थ हो गया। दूसरा स्वार्थ, साहब बहुत स्वार्थी आदमी है। जब इनके मंदिर में महाराज जी आए थे तब तो हमारे लिए कह रहे थे कि भाई साहब आ जाना, व्यवस्था करा देना, और जब हमारे महाराज जी आए तो ये तो बिल्कुल ऐसे गायब हो गए कि जैसे गधे के सिंह से सिर, गधे के सिर से सिंह गायब हो जाते। इतने स्वार्थी आदमी, इनको आना चाहिए ना हमारी हेल्प के लिए महाराज जी के बिहार में, ठीक है ना। तो स्वार्थी आदमी है। अब ये स्वार्थ कैसा होगा, मतलब है कि संसार संबंधी अपना अपना काम से याद लेना, और अपना काम निकल गया, अपना काम बनता हाँ, और काम पड़े सो गधे को, और काम निकल जाए तो बाप को। आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक याद है। दुनिया ऐसी है, वो स्वार्थी, वो स्वार्थ बराबर नहीं। अरे भाई आप श्रावक हैं, आपका कर्तव्य है कि सारे श्रावक मिलके रहें। आपका कर्तव्य है एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी, एक मंदिर से दूसरा मंदिर पूरी तरह से जुड़ा रहे। और आपको क्या चाहिए, क्या करना है, कितने लोग चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हम जरूर करेंगे। अब दे क्या सकते, स्माइल और प्यार के अलावा, थोड़ी सी मेहनत और उपकार के अलावा और कर क्या सकते आप? उतना तो करिए, उतने से ही प्यार का, बूंद बूंद प्यार से, बूंद बूंद वात्सल्य से प्यार का सागर बन जाता है, वात्सल्य सागर बन जाता है, विमल सागर बन जाता है। दिक्कत क्या है, जरा सी जय जिनेन्द्र कर ली भाई, सब छोटे हैं कि बड़े हैं, जय जिनेन्द्र में फर्क क्या पड़ रहा है? भगवान जिनेन्द्र की तो जय कर रहे हैं, उस आदमी की थोड़ी जय कर रहे हैं। छोटा बच्चा भी हो तो दादाजी को कहना चाहिए, बेटा जय जिनेन्द्र, स्कूल जा रहे हो, भगवान के दर्शन करके जाया करो। जिनेन्द्र भगवान का नाम लेने से, जय बोलने से जय होगी, जिनेन्द्र बोलने से विजय होगी, और जय जिनेन्द्र बोलने से हरदम जय जय होगी। जय जिनेन्द्र बोलिए, स्माइल दीजिए। स्माइल देने में लोग बहुत होशियार हैं। स्माइल और स्मेल कितना अंतर है जी, हैं? बैठे बैठे यहाँ आया तुम्हें स्माइल देना दे,
लेकिन जर्रा सा यूं करके स्मेल तो और लोग स्मेल देने में तो बहुत होशियार हैं, प्रदूषण फैलाने में, उठापटक करने में, जुड़े हुए लोगों को तोड़ देने में भी अच्छा खासा संगठन है उन मंदिर के पास। उन युवाओं ने अच्छा खासा संगठन बना लिया और कोई जरा सी काड़ी लगा दिया, तू क्यों नहीं अध्यक्ष बन जाता है, तू तो मेहनत करता है, वो ही अध्यक्ष बना हुआ 4 साल से, और उनमें आपस में खटास पैदा कर दी। अरे भाई, प्रेम से काम कर रहे थे, उत्साह बढ़ाते, वो आपस में उनको सुझाते और आगे कुछ फैसला करते प्रेम से, वो अच्छा लगता। तो स्मेल छोड़ देते हैं, गंध छोड़ देते हैं, प्रदूषण छोड़ देते हैं। स्मेल अपन में भी तो राग द्वेष की स्मेल लगी हुई है ना, क्यों आत्मा प्रभु महावीर स्वामी की जैसे शांत नहीं बैठ रहा है। मुनिराज 2-4 घंटे सही सामायिक में एक ध्यान में बैठते हैं, अपना आत्मा अपन क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रदूषण है, कहीं ना कहीं स्मेल है, कहीं ना कहीं गंध है, दुर्गंध है, सुगंध है, किस चीज की? बोलो बोलो दादा, ओ दादा बन जाओ तो दादागिरी करना छोड़ दो। महाराज दादा बनेंगे तो ही तो दादागिरी करेंगे। दादा बनना और दादागिरी करना दो अलग अलग बातें हैं। कभी कभी दादा को दादागिरी करना पड़ती है कि बेटा मंदिर ना जाएगा तो तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। तो तुझे जो मेरी जेब से 10 रुपये मिलते हैं ना, वो भी बंद। पाठशाला ना जाएगा, बस टॉफी चॉकलेट तो आजकल की गंदी चीज हो गई। हाँ, प्यार नहीं करेंगे, गोद में नहीं बिठाएंगे। सुसंस्कार डालने के लिए, धर्म मार्ग पर लगाने के लिए थोड़ा सा दबाव देना भी गलत नहीं है, लेकिन बिना मतलब के बड़बड़ाते रहना, कोई सुनता नहीं है, मेरे कोई मानता नहीं है, घर में सबसे बड़ा मैं हूँ, मैंने घर खड़ा किया है, और बेटा ये आजकल सुनता नहीं है, बहू बड़बड़ाती रहती है, आजकल तो बहू का राज घर में चल रहा है। फिजूल में ज़्यादा बड़बड़ करने से काम ही बिगड़ेंगे। अब आपको पता है कि सबके साथ एक समय आता है, तो हम जिस स्टेज पर हैं हमें उतनी गंभीरता से पेश आना चाहिए। माहौल बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियों से समझौता करके सहजता से रहोगे तो सुखी रहोगे, और नहीं तो दुखी राम बन जाओगे। जितने जितने संकल्प विकल्प उतने उतने दुख। सुखी रहने का सीधा तरीका क्या है जी, बोलिए जी। शांत रहना। शांत रहने का तरीका क्या है? मौन रहना। मौन रहने का तरीका क्या है? ध्यान में रहना। ध्यान में रहने का तरीका क्या है? आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करने का तरीका क्या है? मन को शांत करना। मैंने घूम फिर करके अपन कहां आएंगे कि खुद शांत हो जाओ तो शांति ही शांति। क्या? खुद शांत हो जाओ तो शांति ही शांति है। वरना आदिनाथ जिस बड़ के नीचे बैठ के ध्यान किए थे ना, उसके नीचे भी चले जाओ तो भी शांति मिलने वाली। कुंवारे तो शांति की खोज में है ही, जिनकी शादी नहीं हुई वो तो शांति की खोज में है ही, जिनकी हो गई वो उससे ज्यादा शांति की खोज में। दोनों की खोज में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन आप समझो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने स्वरूप को समझा नहीं, सम्यक दर्शन को पाया नहीं,
यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया जाए, भेद विज्ञान हो जाए, वस्तु व्यवस्था का बोध हो जाए, चाहे तो कुमार अवस्था में हो, चाहे युवावस्था में हो, चाहे प्रौढ़ावस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, चाहे वह विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, अगर उसको तत्व ज्ञान है तो बहुत ज़्यादा अशांता नहीं होगा। कुमारावस्थाया मपि निज वाला दीन विजिता। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अभी मुनि संघ ने महावीर अष्टक का पाठ किया ना, बोलिए उसका सातवां छंद, महावीर अष्टक का सातवां काव्य कौन बोलेगा? महाराज जी हमें तो एक लाइन याद आती है बस, कौन सी? महावीर स्वामी ज्ञानी अंजन चोर की तरह, अगर इतनी सी लाइन भी हमेशा याद रह गई तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्या कहा जी प्रधान जी? अंजन चोर की तरह, कहानी तो आपको पूरी मालूम होगी, उस पर तो एक छोटा सा पिक्चर सीरियल भी बन चुका है ना, कि अंजन चोर ने कहा आड़म ताड़म नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अध्यायणम नमो लोई सब सावड़म। तो इसमें आड़म आड़म आ रहा ना पीछे से, ताड़म आड़म, तो वो क्या बोलता है? जब रस्सियां काटने को तत्पर होता है और लगता है कि मरेंगे तो मरेंगे अब, लेकिन ये तो करना ही है। कितनी जबरदस्त श्रद्धा चाहिए कि जहाँ जो भी घटना घटे, जहाँ जो भी ऊंचा नीचा हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मैं धर्म और श्रद्धा को नहीं छोड़ूंगा। आड़म ताड़म कछु न जानम, और उतने मात्र से उसकी आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाती है। श्रद्धा और समर्पण, श्रद्धा और सबूरी, दोनों चीजें जरूरी। अगर हम इतनी सी लाइन भी याद रख लें, महावीर स्वामी नयन पथगामी, जैसे शांत मुद्रा महावीर भगवान की है वैसी मुद्रा हमारी भी शांत हो। महापुरुषों की ऊर्जा में देखिए आप, उनके आभा मंडल में देखिए, उनकी आंखों में देखिए, एक अलग तरह की ऊर्जा, एक अलग तरह का प्रेम, एक अलग तरह की अहिंसा करुणा दिखाई देती है।